वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा पूजन होता है व्यास व्यास पूर्णिमा। शास्त्रों में गुरु का बड़ा ऊंचा दर्जा बताया गया है। वो ऊंचा दर्जा किस बात को लेकर के है?
कि हृदय के अंधकार को दूर करे उसका नाम गुरु है। गुकारस्त अंधकारस्त रुकारस्त निरोध। गुरु गीता में आया है, गुरु शब्द का अर्थ किया, गह का अर्थ हुआ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। जो हृदय के अंधकार को दूर करते वो गुरु होता है। और जो आता है वह वो गुरु लोके शिष्य वित्तापहार का दुर्भाष गुरु लोके शिष्य हितापहार का। बहुत से गुरु होते हैं शिष्य के धन को लेने वाले, साधन ले ली, रुपया लिया, चीज ले ली, भेंट ले ली, बहुत गुरु ऐसे गुरु बहुत होते हैं। सह गुरु वो गुरु दुर्लभ है, शिष्य हितापहार का शिष्य के हृदय के तपत को दूर कर दे, यानी कि अशांति को दूर कर दे, ऐसा है वो वास्तविक गुरु है। धन लड़े गुरु कई मिल जाएंगे, दस रुपया नारे लाओ रूपन गुरु बन गए। तो उन गुरुओं की ऐसी महिमा नहीं है, महिमा वास्तविक उनकी है। कैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें पूछना भी रास्ता किस तरह है, तो बता देगी ऐसे जो ऐसे दाएं बाएं ऐसे होना, वहाँ ऐसा वृक्ष आएगा, ऐसे एक मकान आएगा, ऐसा कुआं आएगा, उसके पास ऐसे जाना, फिर ऐसे ऐसे जो रास्ता बता देता है ठीक, तो हम ठीक तरह से पहुंच जाते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से परमात्म तत्व की प्राप्ति का जो रास्ता बता दे ठीक तरह से और हम चले, हमारे को मालूम भी होने लग जाए। जैसे मैं बहुत बार ये बात कही है कि जैसे पहाड़ पर एक मंदिर है, वहां मंदिर हमें जाना है, तो जाना है तो किस तरह से जाए, वो पहले मंदिर का दर्शन कर लेके वहां जाना है। अब वहां पहुंचने के लिए अनेक तरह के रास्ते हैं, ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि वो भिन्न भिन्न रास्ता है। तो भिन्न भिन्न रास्ता है तो रास्ता जाकर आगे एक होगा। तो बताया है कि पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी व्रत की धुरे एक ही ठोर। अर्थ चलता है उसमें घड़ी बनी रहती है, एक एक के ऊपर माल बनी रहती है, तो वो कुएं में से पानी लेकर ऐसे चलती है। तो जब नहीं पहुंचे तब तो अलग अलग घड़ियां है, पर दूल्हे की एक ही जगह जाकर सब की सब। तो पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अलट की धुरे एक ही ठोर। तो पहुंचे हुए संत महात्मा एक जगह ही पहुंचते हैं। योगास्त्रो में आप योगता ऋणाश्रियो विदित सया भगवान एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में कहते हैं कि मैंने कल्याण के लिए तीन मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ऐसा साफ साफ कहा है। गीता में अगर लोकेश्विन द्विधा निष्ठा, मैंने दो निष्ठा बताई है, लोकेश्विन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नगर ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे योगी नाम, सांख्य निष्ठा योग निष्ठा दो निष्ठा बताई। तो जो सन्यासी है सांख्य योग करने वाले हैं, मानो ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं, उनको तो ज्ञान योग से निष्ठा बताई, और योग कर्मयोगी है उनको कर्मयोग से निष्ठा बताई। तो दो निष्ठा मैंने बताई है, तो तीन बताई भागवत में, तीन, एक योग कर्म निष्ठा, एक ज्ञान निष्ठा, एक भक्ति निष्ठा। और गीता में दो बताया, ज्ञान योग नाम कर्म योग योगी नाम। तो इसमें क्या बात है, अब इसमें एक बात कहता हूँ, गीता अभ्यासी देखी सुने और भी सब भाई बहन ध्यान देखिए सुने। लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा, इस लोक में तो वो निष्ठा कही है,
पंद्रहवा अध्याय में जहाँ की बहुत पुरुषोत्तम अध्याय है, बड़ा श्रेष्ठ अध्याय है, उसका रोजाना पाठ करो। बारहवा पंद्रहवा रोजाना पाठ करने के है, इसमें पंद्रहवा अध्याय विशेष स्थान रखता है। अठारह ही अध्यायों में पंद्रहवा अध्याय विशेष स्थान रखता है। ये पुरुषोत्तम अध्याय है, इसको भगवान ने शास्त्र पदवी दी है, और शास्त्र भी मामूली ने कहा है, इति गुह्यतमं शास्त्रम, गुह्यतम शास्त्र का है। ऐसा किसी अध्याय को इतना पद भगवान ने नहीं दिया अठारह अध्यायों में, एक पंद्रहवा अध्याय को कहा है ये गुह्यतम शास्त्र। शास्त्र भी शासन श्रेष्ठ, जो शासन करे, मानो शिक्षा दे, जिन शिक्षा से मनुष्य का कल्याण हो जाए, ऐसी शिक्षा दे, तो उसके लिए भगवान ने बताया कि इस लोक में दो है, क्षर अक्षर, और पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य पुरुषोत्तम अध्याय है ना, तो क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है और उत्तम पुरुष है, ये तीन बताया, क्षर अक्षर पुरुष उत्तम। तो क्षर अक्षर तो लोक में, लोकेश द्विधा निष्ठा ये बताए, द्वा विमोह पुरुष लोके लोके लोक बताया, अक्षर अक्षर ऐसे ही क्षर है, क्षर नाम नाशवान पदार्थ जो ये सब, अक्षर नाम अविनाशी जीव। आप हम सब बैठे हैं ना, ये इनमें जो परमात्मा का अंश है वो अक्षर है, उसका नाश नहीं होता है। नाश हो जाए तो चौरासी कौन भुगतेगा, शरीर कौन जाएगा, वैकुंठ कौन जाएगा, इसमें रहने वाला अविनाशी है तो वह न जाएगा, शरीर तो यही खत्म हो जाएगा। तो शरीर के बाद जो रहता है वो चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवराशि। ऐसे रामायण में भी कहा और गीता में भी कहा, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। तो ये परमात्मा का अंश है, तो इसका संबंध परमात्मा के साथ है, और शरीर का संबंध संसार के साथ है। संसार से आप शरीर को अलग नहीं कर सकते, किसी की भी ताकत नहीं है कि संसार से शरीर को अलग कर ले। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच ऋतु ये अदम शरीरा, पृथ्वीजल तेज वायु आकाश से बना हुआ शरीर सबका शरीर, तो आप अलग कैसे कर लोगे? तो संसार से अलग शरीर हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, और जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है। तो संसार और शरीर की एकता है, तो संसार तो संसार का अंश तो है शरीर, और परमात्मा का अंश है स्वयं जीवात्मा। इस वास्ते अपरार परा प्रगति बताया, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति सदा, अहंकार सहित तो पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये आठ भिन्न आठ भेदों वाली प्रकृति है। इसको अपराकार इतस्तम प्रकृति विधि में परम, अपरा मानो निकृष्ट जड़, और इससे एक उत्कृष्ट प्रकृति है वो है परा नाम श्रेष्ठ चेतन। तो परा प्रकृति चेतन है, वो मेरी परा प्रकृति है। ऐसे कहकर कहा कि एतद् योनिनि भूतानि, ये प्राणी जितने हैं, कोई प्राणी हो जितने प्राणी है उनमें ये शरीर तो है प्रकृति का, और मेरा अंश है जीव, तो ये दोनों मिलने से पैदा होते हैं। यावत संजायते किंचित, तेरवा अध्याय में यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, ये स्थावर वृक्ष है, दूब है, लता है, घास है, ये एक जगह रहकर रहने वाले जीव है, और आप हम पशु पक्षी ये घूमने फिरने वाले, तो वो स्थावर है, ये जंगम है जो घूमते फिरते हैं। ये स्थावर जंगम यावत संजायते किंचित, जितने पैदा होते हैं वे सब के इस क्षेत्र क्षेत्र के संयोग,
क्षेत्र का और क्षेत्र का संयोग, जड़ और क्षेत्र का संयोग, उससे सब प्राणी पैदा होते हैं। तो इसमें दो बात आई अपना परा, और यहाँ साथ में कहते एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी हैं अपरा और प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो जड़ चेतन कई है, शरीर है, इसमें एक सूक्ष्म बात बताई कि जड़ चेतन ही गांठ ही पड़ी गई। संस्कृत में चित जड़ ग्रंथि कहते हैं, चेतन और जड़ की गांठ। तो ये जदपिनमिशा है झूठी, पर छूटने में बड़ी कठिन है, झूठी है कठिन है, छूटना कठिन है। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि, तो जड़ क्या है कि मैं तक जड़ है, प्रसिद्ध जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम, ये हुई जड़। तो अहम तक जड़ है, और अहम को प्रकाशित करने वाला है वो जीव चेतन है। विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जीव प्रकाशक। जीव को कौन प्रकाश करता है? जीव को ईश्वर। सब कर परम प्रकाश हुई राम अनादि अवधपति सोई, परमात्मा वो ईश्वर है, जीव को भी प्रकाशित करता है। तो परमात्मा हुए वो उत्तम पुरुष हुए, उसका अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का उत्तम पुरुष वो है, ये लोक में है। तो लोक में दो पुरुष आए, कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार जोनी मिलती है और उसके अनुसार जोरी मिलती है, ये तो है सकाम भाव की बात। तो क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि कर्मजा, कर्मजन सिद्धि मनुष्य लोक में होती है। तो यहाँ भी लोक शब्द आया है, लोके समय लोक शब्द आया है, द्वाभिमुख पुरुष हो लोके उसमें भी लोक शब्द आया है। तो ये लौकिक है दोनों, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा लौकिक है, क्योंकि जीव मात्र में चेतन है, जड़ दो है। अब जड़ के द्वारा कैसे प्राप्ति करे? तो कर्म योग से, और ज्ञान के द्वारा सांख्य के द्वारा ज्ञान योग से प्राप्ति करे। ये दो पुरुष लौकिक हुए, उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो क्या है? वो परमात्मा है। अब परमात्मा है उसमें प्रकृति और पुरुष दो है, तो प्रकृति का अंश है वो जड़ अंश हुआ, पुरुष का अंश हो चेतन हुआ, परमात्मा का अंश। अब ये सब दोनों मिले हुए चेतन, इसमें लोक शब्द आया है। कर्म कर्मों से दो बात होती है, एक कर्म सकाम भाव से होता है, उस कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक कर्म होता है उसका निर्मल फल होता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। तो शुभ काम सकाम भाव करते हैं, ऊपर लोगों को जाते हैं, और मध्य में राजसी कर्म वाले मध्य लोग में जाते हैं, और तामसी कर्म वाले अधोगति को जाते हैं, वो नरकों में 84 लाख जोड़ने में जाते हैं। तो ये जो लोक है इनकी गतियां बताई। तो इस लोक में यही बात है, क्षिप्रंग ही मानुष है लोग है सिद्ध कर्म जा, कर्म जन सिद्धि बहुत जल्दी होती है। और कर्मणा बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, कर्म से बंधन होता है। और भी आई है गीता में बातें, लोकेश ने बताया आपको। तो लोक में ये दो बताया, ध्यान योग और कर्म योग, ये लोक में है, और परमात्मा है ये अलौकिक है। परमात्मा का मार्ग लौकिक नहीं है, ज्ञान और कर्म दोनों लौकिक मार्ग है। लौकिक मार्ग में जब निष्काम भाव होता है तो इससे छूट करके ये परमात्मा को प्राप्त हो जाए, ज्ञान योग से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और कर्म योग से छूटने का उपाय है कि स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर संपूर्ण सेवा में लगा दे, तो कर्म योग हो जाता है। और स्वार्थ और कामना से अगर ये कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता, मानो परमात्मा के साथ संबंध नहीं होता, परमात्मा से विमुख हो जाता है, जन्मता मरता रहता है कर्मों के अनुसार से। पंद्रहवें अध्याय में एक बात और आई है, पंद्रहवें अध्याय में मन कर्मानुबंधी मनुष्य लोग, कर्मानुबंधी मनुष्य लोग, मनुष्य लोग में कर्म से बंधता है। और वो सकाम करने वालों को चौथे में आया ना, कर्म से कर्म की सिद्धि जल्दी होती है, क्षेत्र में मनुष्य लोग सिद्धि कर्म जा, वो मनुष्य लोग आया। और मनुष्य लोग में दो निष्ठा बताई, उत्तम पुरुष अन्य है, वो दो निष्ठा में नहीं आया है। तो
वो क्या है निष्ठा? वो भगवान निष्ठा है, भगवान के अधीन होना है, वो भगवान निष्ठा है। तो ज्ञान निष्ठा, योग निष्ठा और भक्ति निष्ठा दो हुई। तो मनुष्य की निष्ठा दो ही है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। और मनुष्य भगवान के परायण हो जाता है तो भक्ति निष्ठा होती है, वो मनुष्य की निष्ठा नहीं है अपनी, वो भगवान निष्ठा है। भगवान के विधान पर ही संतोष करता है, भगवान के अधीन हो जाता है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेता है, अपनी मर्जी को उसे रखता ही नहीं, तो उसकी निष्ठा नहीं हुई, वो भगवान निष्ठ हो गया, भगवान की निष्ठा हो गई। तो लोक में दो निष्ठा है, ये अलौकिक निष्ठा है। भागवत में तीनों बात बताया, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भगवान ने यहाँ कर्मयोग ज्ञान योग को लौकिक निष्ठा बताई और परमात्मा की भक्ति को भगवान ने अलौकिक निष्ठा बताई। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इत्युदार कर लक्षण, वो ऐसा है जो दुर्वृत्ति अव्ययी अविनाशी है, सब का भरण पोषण करता है, जितने जीव सब का भरण पोषण करता है वो अविनाशी जीव परमात्मा ईश्वर है। तो उसकी निष्ठा है वो भक्ति निष्ठा है। कर्मयोग ज्ञान योग के विषय में तीसरे अध्याय के आरंभ में भी प्रश्न है और पांचवे अध्याय के आरंभ में भी ज्ञान योग कर्मयोग का प्रश्न है और अठारहवें अध्याय के आरंभ में भी ज्ञान योग प्रयोग का प्रश्न है। इस विशेष में अभी नहीं कहूंगा क्योंकि गीता का विषय थोड़ा गहरा है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग की दो बातें भगवान से अर्जुन ने पूछी है। तो 18वें अध्याय में भगवान ने पहले योग निष्ठा बताई है, फिर सांख्य निष्ठा 40 तक बताई है, फिर कर्म बताए हैं, फिर सांख्य निष्ठा में ध्यान योग प्रधान बताया। वे सब बता करके सर्व कर्मण्य विषदाया से भक्ति निष्ठा शुरू करी 56 से। 18वें अध्याय के 56वें श्लोक से भगवान ने भक्ति निष्ठा करनी शुरू करी। माम एकम शरणम बल्कि 66वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति निष्ठा करी। अर्जुन ने तो दो ही पूछी, संन्यास्य महाबाहो तत्त्वमेषां वेदम त्यागे से, संन्यास कर त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। तो तत्व को जानना बता दिया, फिर भगवान ने भक्ति निष्ठा अपनी तरफ से कही है। और सर्व गुह्यतम भूयश्रुमे, परंतु सबसे गोपनीय मैं फिर कहता हूँ। तो ये कब कहा? तो तू मेरा कहना मानता नहीं तो यथेष्ट ठाकुर जैसे तेरी मर्जी हो सब कर। तो अर्जुन घबरा गए। तो फिर अर्जुन को कहा, तू घबरा मत, मैं तेरा त्याग करता नहीं हूँ। अर्जुन ने देखा कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, तेरी मर्जी आओ जैसे कर। ऐसे घबराहट देगी जब कह सबके गोद नहीं पाते। एक और कहता हूँ मैं, जो और कैसी है कि पहले कहीं हुए सर्व गुह्यतम भूय भूय मन, फिर कहता हूँ अभी मैंने कहा दिया कि सचित मत्चित सततम भव मत्चित सर्व दुराणी तरीशती और मत प्रसादाद शास्त्र पद्मियम, मेरे परायण होने से विघ्न भी दूर हो जाएगा और मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी, दोनों भक्ति मेरे शरीर होने मेरे शरण होने से हो जाएगी बात। इतने कहने पर अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया। तो भगवान ने धमकाया फटकाया कि तू जो मेरी बात नहीं सुनता है अब से तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा तेरा धमकाया। और यदि अहंकार मासित कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अहंकार का आश्रय अगर करता है तो अहंकार का आश्रय तो प्रकृति में ले जाएगा तेरे को, और प्रकृति में तेरी छात्र प्रकृति है, वो तेरे जबरदस्त युद्ध कराएगी, प्रकृति स्वांग नहीं हो सकती, तो युद्ध भी तेरे को करना पड़ेगा और पतन भी तेरा होगा। और वो ही युद्ध मेरे कारण से करेगा तो तेरे मुक्ति हो जाएगी, युद्ध काम ठीक हो जाएगा। इतने पर अर्जुन नहीं बोले तब भगवान ने कहा अब तेरी मर्जी आओ जैसे कर। अर्जुन बहुत दया प्रेम बहुत ज्यादा है, इस वास्ते सर्व फिर कहता हूँ। तो फिर कहता हूँ मत्स्य शब्द में कह दिया, अब मन मना भाव मत दो। तो यही बात दसवें अध्याय में आरंभ में कहा श्रुमे परमम वचन, और यहाँ भी कहते हैं श्रुमे परमम वचन, दसवें अध्याय में भी भूय महाभाव श्रुमे परम वचन, सर्व गुहतम भूय श्रुमे परमम वचन, परम वचन है ये। तो मन मना भाव पहले 9वें अध्याय में कहा, अगर मत्सित्ता मदगत प्राण बोध जी मत्सित का, 18वें मत्सित का, फिर मन मनाव का, इसमें मन मनाव पहले कहा फिर मत्सित का, तो मेरे में मन लगा। ये खास भक्ति की बात भगवान ने बताई, पर मेरी बात तो मान ले मत्सित कह करके। फिर अंत में कहते हैं सर्व धनवान पैजे माम एकम शरण, मेरी एक क्षण हो जा बस। ये सबसे गोपनीय सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम बात है,
माम एकम शरणम ब्रज, आम पास सर्व पापे भी मोक्ष ईष्यामि मास्तु, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अर्जुन की चिंता थी पहले अश्वाशोच्यन से चला और महाशोच में समाप्त किया, तो मैं उद्धार कर दूंगा, तो मैं उद्धार कर दूंगा, कब तू मेरे शरण हो जाएगा सर्वथा। तो ये सर्व को ये तम बात है भगवान के शरण हो जाना, तो ये हुई ज्ञान निष्ठा। तो ये कर्म बंध कर्मानुबंधी नहीं, मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक है तो मनुष्य लोक, मनुष्य लोक लोकेश में द्वारा पूछो लोक है, लोक ही लोक आया, तो लोक में दो निष्ठा हुई, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, ये ज्ञान और कर्म योग, और ये है अलौकिक, ये लोक से अलग है। क्यों कि संसार में जड़ और चेतन को तो आदमी जानते हैं, दार्शनिक लोग भी जीवात्मा और जड़ इन दो को मानते हैं, जैन है वो भी जड़ अजड़ दो तत्व मानते हैं, एक जड़ तत्व एक अजड़ तत्व है, चेतन तत्व है, क्योंकि शरीर है ये जड़ है जिसमें रहने वाला चेतन है, पर परमात्मा नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते वो, क्योंकि ईश्वर तो एक अलौकिक चल जाए ना, लौकिक चल जाएंगे तब तो दृष्टि लोगों को जाती है, मन वो दृष्टि अलौकिक है, तो अलौकिक चीज समझ में नहीं आती है। एक बात और मार्मिक बता देता हूँ, ये जो संदेह होता है, संशय होता है, शंका होती है कि ये ठीक है कि ये ठीक है, ऐसी शंका संदेह जहाँ होता है वहाँ जिज्ञासा होती है, जिसमें जानते हैं उसमें पूरा नहीं जानते और कुछ जानते हैं तब तो संदेह होता है, जिस विषय में कुछ नहीं जानते उसमें संदेह नहीं होता, उसमें जिज्ञासा भी नहीं होती। संदेह होता तब तो जिज्ञासा होती, जानने की इच्छा होती है, कुछ भी नहीं जानते संदेह होता ही नहीं उसमें, हम कई बातों को नहीं जानते कोई संदेह नहीं, कुछ जानते कुछ नहीं जानते जिज्ञासा होती है, और कुछ जानते कुछ नहीं जानते इसमें अभिमान होता है, उसे जिज्ञासा नहीं होती, वो नास्तिक होता है, जो नहीं देखते हम मानते ही नहीं वो होता है नास्तिक। परंतु आस्तिक भी आदमी होते हैं कि इतना तो हम जानते हैं, इनसे अगर ये जानना चाहते हैं तब होती है जिज्ञासा। तो परमात्म तत्व की जिज्ञासा है, उनसे मुमुक्षा है, जिज्ञासा है, दो बात है उसमें। मुमुक्षा तो वो अपने मुक्ति चाहता है, छूटना चाहता है, तो मुक्ति तो ज्ञान योग कर्मयोग से दोनों से हो जाएगी, जिज्ञासा भी हो जाएगी उसे। परंतु इसके सिवाय तत्व क्या है, तो वो परमात्मा है, तो परमात्मा है वो जीव की जिज्ञासा का विषय नहीं है। तो क्या है, ये शास्त्र और संत महात्मा इनके गवाह है, और कोई गवाह नहीं है। शास्त्र कहता है परमात्मा है, वो शास्त्र क्या कहता है, आप सनातनियों का शास्त्र कहता है, वेद है, पुराण है, स्मृतियां है, ये शास्त्र कहता है कि ईश्वर है, अब दूसरे में ईश्वर है ही नहीं। आप क्षमा करेंगे, एक बात आ गई है, जैन शास्त्र है वो नास्तिक नहीं है, परंतु ईश्वर को नहीं मानता, कोई ईश्वर उसको नहीं है, ये जीव ही भगवान बन जाता है, उसको मानते वो मुक्त जीव हो जाता है, पर जीव अक्षर अक्षर के ऊपर परमात्मा है, ये जैन शास्त्र नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, कि लोक में देखने में चढ़ दो चीज आती है, उसी ऊपर कोई चीज देखने में आती नहीं, इस बात को नहीं मानते, इस बात तो उस शास्त्र में वर्णन नहीं है। मेरे काम पड़ा है जैनी सज्जनों से बात करने का, तो वो कहते ईश्वर नहीं है, तो मैंने कहा तुम्हारे शास्त्र में भी ईश्वर नहीं है, तुम कैसे मानोगे, कैसे जानोगे, तुम्हारे है ही नहीं। तो मैंने पूछा, सुनी हुई बात थी, मैंने पूछ ली कि अंग्रेजी में घी का नाम बताओ आप, तो घी का नाम घी ये नहीं क्या, बटर तो माखन का नाम है, घी का नाम बताओ, तो बटर ऑयल, मक्खन का तेल, मक्खन का तेल नहीं, घी का नाम बताओ, तो घी नाम है ही नहीं, घी कहते हैं, तो नाम क्यों नहीं है, तो वहां घी होता ही नहीं, इस वजह से आज में ईश्वर है ही नहीं, इस वजह नाम कैसे बतावे, होवे नाम तब न बतावे ना, उसमें है ही नहीं उसका जिक्र, तो कैसे बतावेगा, आपका शास्त्र भी कैसे बतावेगा। जैसे अंग्रेजी घी नाम बता नहीं सकते, आप बहुत पढ़े लिखे बैठे हो भाई, मैं तो जानता नहीं हूँ अंग्रेजी, आपको याद हो तो बताओ को घी का नाम अंग्रेजी में घी कह दोगे, कारण क्या है कि अंग्रेजी वहां घी होता ही मक्खन ही खाते है, घी बनाते ही नहीं, तो वहां बनाते ही नहीं, तो नाम कैसे आवे, ऐसे जिस शास्त्र में ईश्वर है ही नहीं, अब ईश्वर नाम कैसे आवे उसमें, चीज है नहीं, जहाँ है वहां मरनाता है उसका। और शास्त्र किसका नाम है, जगत जीव परात्म नाम, जगत और जीव और परमात्मा, इन तीनों का ठीक वर्णन वो शास्त्र होता है,
पर शास्त्र भी छह आस्तिक शास्त्र है, छह नास्तिक शास्त्र है। ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं तो मानने वाले हैं, तो ईश्वर को तो मानना ही पड़ता है, जानना नहीं आता। पहले आत्मा को जान ले, ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, परमात्मा को मानना ही पड़ता है। और संसार है वो जानते भी हैं और ठीक तरह से जानना चाहते हैं, पर इसमें चेतन जड़ दो, शरीर जड़ है, चेतन है आत्मा है, तो दोनों का क्या तत्व, दोनों को जानना होगा। इस जानने में एक तात्विक बात और बताता हूं, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होगा और जीवात्मा का ज्ञान एक स्वरूप से अभिन्न होने पर होगा। ये दो कायदा है, संसार का असली ज्ञान संसार से अलग होने पर, अपना संसार से मिले हुए संसार का ज्ञान नहीं कर सकते। जैसे स्वप्न में सोया हुआ स्वप्न सृष्टि सत्य अगर सत्य नहीं ज्ञान कर सकता, जगने पर कर सकता है, तो स्वप्न से अलग होने पर स्वप्न का ज्ञान हो सकता है। स्वप्न में बैठा स्वप्न का ज्ञान नहीं हो सकता, स्वप्न क्या है वो तो सत्य ही दिखता है, उसको कैसे पहले समझे। तो जो परिवर्तनशील है इससे अलग होने पर अपरिवर्तन ज्ञान होता है, और अपरिवर्तन तत्व है उसका ज्ञान अलग से नहीं होता। शास्त्रों की बातें करो परंतु जब तक आत्मा स्वरूप से अभिन्न अपने का अनुभव न हो जाए तब तक आत्मा को जान नहीं सकते। सार बात क्या निकले कि संसार का ज्ञान तो संसार से अलग होने पर होता है। अलग कैसे हो गए, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसे शरीर से अलग हो जाए संसार से अलग हो जाएगा, ऐसा अनुभव होने पर संसार का ज्ञान होता है। नाशवान है, क्षण भंगुर है, फिर संसार में आकर्षण नहीं होता। और परमात्मा का ज्ञान होता है तो शिव हम शुद्ध हम जगत विजय ऐसे ज्ञान हो जाता है, तो उसमें अभिन्न होने से होता है, इसमें भिन्न होने से होता है। कारण क्या है कि ये संसार से भिन्न है, इस बार से भिन्न होने से ज्ञान होगा, और शरीर संसार से अभिन्न है तो शरीर में अलग होना शरीर से, इनके संसार के शरीर के साथ एकता रहता हुआ बातें बनेगी सीख लो, ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि इनसे आप अलग हो, परमात्मा का अंश हो, ये है प्रकृति का अंश, प्रकृति स्थान है, तो प्रकृति के साथ मिले हुए प्रकृति का कैसे ज्ञान होगा। प्रकृति से आप अलग हो तो अलग होने से ही प्रकृति का ज्ञान होगा, और परमात्मा से आप अभिन्न हो तो परमात्मा के साथ अभिन्न होने से ही ज्ञान होगा। तो संसार का ज्ञान अलग होने से होता है, परमात्मा का ज्ञान एक होने से होता है। और परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होता, परमात्मा को मानते हैं, शास्त्रों से मानते हैं और संत महात्माओं से मानते हैं। जिन लोगों ने अनुभव किया है ये कहते हैं तब हम ईश्वर को मानते हैं, इसमें संदेह नहीं होता। क्यों, सामने है ही नहीं हमारे सामने वस्तु, उसे संदेह होता है तो शंका होती है, जिज्ञासा होती है क्या है, क्या चीज है ही नहीं सामने, तो माने आप चाहे न माने इसमें आप स्वतंत्र है। तो बात हुई, अब परमात्मा के मानने के लिए आपको एक तो शास्त्र है और एक जो अनुभवी संत महात्मा है जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है, परमात्मा तत्व को जानते हैं, वे परमात्मा तत्व को बता सकते हैं। तो जो परमात्मा तत्व को बता सकते हैं, जीव तत्व को बता सकते हैं, जड़ तत्व को बता सकते हैं, वे गुरु होते। अपने गुरु पर बात चली, उस पर थोड़ा मैंने विस्तार से कह दिया, बातें तो और भी बहुत सी है, कहूंगा ही थोड़ी देर और भी, परंतु खास करके गुरु क्या होता है जिसमें संसार का ज्ञान भी करा दे, जीवात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान करा दे और परमात्मा को बता दे कैसे परमात्मा आस्तिक बना दे। ऐसे जिन वचनों से हमारे संसार से अलग हमारा अनुभव हो जाए और हमारे स्वरूप का अनुभव हो जाए और परमात्मा का ज्ञान हो जाए, अथवा परमात्मा की श्रद्धा भक्ति हो जाए, ये गुरु का काम है। तो असली तत्व समझाने वाले होते हैं वो गुरु होते हैं। अंधकार क्या है कि संसार क्या जानते नहीं, जीव क्या है जानते नहीं, ईश्वर क्या नहीं जानते, ये अंधकार है। इस अंधकार को दूर करके साफ साफ बात बता दे वो गुरु होते हैं, चाहे वो गुरु बने चाहे न बने, आप चाहे गुरु माने न माने। शरणानंद जी से किसी ने पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है, वे बोले जो हमारे से अधिक जानता है वो हमारा गुरु, चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है, ये उत्तर दिया मेरे कम जानता है वो तो हम गुरु नहीं मानते, तुम क्या। अब गुरु वो गुरु बनकर ज्ञान के, ये एक प्रणाली है, गुरु बनाने की एक प्रणाली है। परंपरा से हमारे एक ब्राह्मण गुरु होते हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, वे चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी कैसे भी हमारे कुल गुरु है। तो कुल गुरु होते हैं, वे पढ़े लिखे नहीं होते तो विवाह आदि कराने के लिए दूसरे पंडित को लाते हैं और कहते हैं महाराज हम जो देंगे वो तो गुरु जी को देंगे, ब्याह करने की आपको दे देंगे पैसा,
पर दान पुण्य तो हम हमारे गुरु जी वो करेंगे, वो गुरु परंपरा गुरु होते हैं। व्याकरण विधि भी दूसरा लाना पड़ता है, तो तत्व की बात कैसे बता देगा वो? तत्व की बता देने वाला कुल गुरु नहीं, कुल गुरु भी होते वशिष्ठ जैसे पुरुष थे, वे कुल गुरु भी थे और वास्तविक गुरु भी थे, ऐसे बहुत थोड़े होते हैं। तो कुल गुरु का पूजन कर देना, आदर कर देना, वो एक गुरु परंपरा है, हमारे बड़ के मानते आए इस वास्तविक पूजन कर देना, ये भी गुरु पूजन है। परंतु असली गुरु नाम उसका है जो ये अंधकार को दूर कर दे, जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, ठीक इस बार अंत परमात्मा का अनुभव हो जाए तो वो गुरु होता है। तो ऐसे प्रकाश देने वाला गुरु होता है। तो गीता में दो निष्ठा तो बतानी है, लौकिक और एक बताइए अलौकिक, ये तीन बताया बात। तो ये खास बात कह रही है, तो अलौकिक परमात्मा उसको मानना होता है, पहले मान लो और फिर उसको जान लो। तो भक्ति मार्ग में पहले मानता है फिर जानता है, और ज्ञान मार्ग में पहले जानता है फिर मानता है, ये दोनों का अंतर है। ज्ञान मार्ग में पहले जानता है जड़ क्या है, चेतन क्या है, तो जानता क्या है कि जड़ मैं नहीं हूँ, इसका उपाय क्या है कि जो नाश होने वाला है मैं नहीं हूँ, बालकपन से लेकर आज तक मैं वही हूँ, मन शरीर वो नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, और प्राण शक्ति भी बहुत खत्म हो गई, वो भी वो नहीं है, विचार भी वे नहीं है, मान्यता भी वो नहीं है, खेल कूदों में राजी होता तो वो आज नहीं है, तो नहीं है ये तो नहीं नहीं मैं गया, और है वो मैं हूँ भगवान, ऐसे विचार करके अपने को दूर करता है, वो ज्ञान मार्ग का होता है। और भगवान को तो मानता है, ईश्वर से, शास्त्रों से, भक्तियों से, भक्तों से, भगवान के प्यारे भक्तों से हम उसको मानते हैं। मान करके चलने पर हमारे को अनुभव हो जाता है, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, फिर बाकी नहीं रहेगा, मैं ईश्वर को मान करके चलो। तो ईश्वर के मानने की बात भी गुरु कहते हैं, और संसार के जीव के जानने की बात भी गुरु कहते हैं, दोनों बातों को ठीक से गुरु होते हैं। तो गुरुओं के पास में जाकर हमारे को इन बातों को जानना है, और ईश्वर को हमें मानना है। और ईश्वर में अब मानने में कई तरह की बात है, कोई राम जी मानते हैं, कोई कृष्ण मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई शक्ति को मानते हैं, कोई सूर्य को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, कोई राम अवतार को मानते हैं, कोई कृष्ण अवतार को मानते हैं, ऐसे 10 अवतार उनको मानते हैं, 24 अवतार उनको मानते हैं भगवान के। तो ये अनेक तरह के बोध है, ये विषय एक अलग है, वो है परमात्मा एक ही, कई तरह की बातें कही जाए मन तत्व से एक है, जैसे शरीर अनेक तरह के है, मन मिट्टी एक है, सबको जलाकर एक किया जाए सब एक बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी के बने पर भौतिक शरीर है, और ये भूत संसार भी एक है, ऐसे जीवात्मा भी एक है और परमात्मा भी एक है। तो दृष्टि से संसार की सेवा करो, संसार से चाहो मत। हमारा जन्म मरण क्यों होता है कि संसार से हम चाहते हैं, ये खास जन्म मरण का हेतु है। सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आदर चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो ही कारण गुण संगोष्य सद असत योनि जन्म से, सद असत योनि नीची ऊंची योनियों में जन्म होता है, उसमें गुणों का संग है, सतोगुण का संग ऊपर चला जाएगा, सुगुण मध्य में रह जाएगा, तो गुण अधोगति में चला जाएगा, ये गुणों के संग से होता है। अरे गुणों से आप अलग हो, क्योंकि आपके सामने सात्व रज तम तीन गुण बदलते हैं, एक गुण आप में होता तो एक ही गुण रहता, जागृत आपकी होती है, स्वप्न आपकी होती है, सुषुप्ति आपकी होती है, और आप तीनों गुणों को जानते हो, तीनों अवस्थाओं को, तो तीनों अवस्थाओं तीनों गुणों से है, आप गुणों से अतीत हो, आप जानते हैं, एक मूर्छा होती है, एक चौथी अवस्था होती है तत्व की अथवा समाधि, तो पांच अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और एक समाधि एक मूर्छा, तो आप चारों को जानते हो, तो आप इनसे अलग हो, मूर्छा से आप अलग हो और समाधि से आप अलग हो, समाधि में बड़ा मतभेद है, उसे आप अलग हो, क्योंकि समाधि होती है कभी नहीं होती है, तो समाधि से वित्थान होता है, उस समय आप समाधि नहीं रहती, तो समाधि भी आगंतुक अवस्था हुई, जैसे जागृत आगंतुक है, स्वप्न आगंतुक है, सुषुप्ति आगंतुक है, ऐसे सुषुप्ति ध्यान अवस्था भी आगंतुक है, समाधि भी आगंतुक है, वित्थान उत्थान होता है, जब सहज समाधि हो जाएगी अपने स्वरूप में स्थिति, फिर वित्थान नहीं होगा, उत्तम सहज अवस्था, स्वतः सहज अवस्था, सहज अवस्था स्वतंत्र प्राप्त हो जाएगा।
तो तुम्हारा सहज अवस्था में पहुंचना हमारा काम है। तो ज्ञान योग से सहज अवस्था में पहुंच जाते हैं, कर्म योग से भी सहज अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये बात प्रसिद्ध कम है, ज्ञान योग से तो पहुंचते हैं वहां, पर कर्म योग से पहुंच जाती ये बहुत कम है। शास्त्रों प्राय कर्म योग को एक मल दोष दूर करने का माना है, अगर इन्हें माना गीता स्वतंत्र मानती है। ज्ञान योगी सांख्य नाम कर्म योगी नाम दो विभाग कर दिया, ऐसा गीता सांख्य बुद्धि योगे थे मान सुनो विभाग कर दिया भगवान ने सब सब अर्जुन के प्रश्न किया उसमें विभाग है। तो ये दो तरह के दृष्टांत में चलते हैं और परमात्मा का मानना है ये अलग है। तो परमात्मा के मांगने में महात्मा ही हेतु होते हैं अथवा जो आस्तिक शास्त्र वो हेतु होते हैं, इसमें शंका नहीं होती। मानना तो मान लो, नहीं मान तो मत मान, सीधी सादी बात है। ईश्वर हम तो मानेंगे मान लो, कह रहे हम तो ईश्वर नहीं मानेंगे मत मानो, मैंने ईश्वर के न मानने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ये बात नहीं है। अगर आपको केवल तत्व का ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, पर प्रेम नहीं होगा। भगवान से जो प्रेम होता है वो प्रेम ईश्वर के मानने से होता है, तो वह प्रेम नहीं होता, बंधन और मुक्ति हो जाती है। जैन शास्त्र है वो भी मोक्ष शिला मानते हैं, तो मुक्त जीव वहाँ रहते हैं तो वो मुक्त हो सकते हैं, मगर प्रेम नहीं हो सकते। प्रेमी तो वही हो जो ईश्वर को मानते हैं। तो प्रेम का आस्वादन एक बहुत विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। ज्ञान का आनंद शांत घनेशा है, और संसार का संयोग जन आनंद वियोग दुख हो जाए, संयोग सुख हो जाए वियोग दुख हो जाए, ये संसार का सुख है। और जो ज्ञान का सुख है वो एक रस अखंड आनंद रहता है, शांत रहता है। और प्रेम का सुख है उछाला मतलब प्रेम बढ़ता है सदा, प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम का शब्द है। तो प्रेम का ही आनंद वर्धमान है, पर तत्व ज्ञान होने पर मुक्ति हो जाएगी। बंधन होता है संसार के संबंध से, जो नाशवान है इसको हम महान महत्ता दे देते हैं, एक दे देते हैं सत्ता और एक दे देते हैं महत्ता, उससे बंधन होता है। इनके सत्ता महत्ता ना दी जाए और केवल दूसरों की सेवा की जाए कर्मियों से ज्ञान हो जाएगा, और अपने आप को अलग कर दिया जाए मैं नहीं हूँ तो ज्ञान योग हो जाएगा और भगवान के शरण हो जाए। अंत में भगवान यही बताए माम एकम शरणम रज, मेरी शरण हो जा, अहंकार स्वरूप मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो प्रभु के चरणों के शरण होता है, ये भक्ति होगा। तो इन बातों को ठीक तरह से बता दे, समझा दे, हमारी शंकाओं का समाधान कर दे, ऐसे पुरुष गुरु होते हैं, जिनके संग से अपने आप से आप समाधान हो जाए, शंकाएं मिट जाए, शांति मिल जाए और हम निश्चिंत होकर परमात्मा की तरफ चले, ऐसा संग करें तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो हम रामायण है गीता इनको पढ़ें, ठीक तरह से समझें, तो ये सब मालूम हो जाएगी कि अपने शांति का रास्ता ये है, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ये है। प्रत्यक्ष शांति मिलती है, प्रत्यक्ष आनंद मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान मार्ग में भी, कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, तीनों में ही तीन योग भगवान ने भागवत में बताए। ज्ञान की निष्ठा दो बताई, तीसरी निष्ठा बताई ये गीता में बताया। तो तीन योग है, उन तीनों में जैसी जिसकी मर्जी हो भले। अब इनके अधिकारी कौन है कि संसार से अत्यंत वैराग्य है, संसार का सुख नहीं चाहता, संसार का आराम नहीं चाहता, संसार का आदर नहीं चाहता, संसार से प्रशंसा नहीं चाहता, ऐसा जो दृढ़ है अत्यंत, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। और भक्ति योग का अधिकारी कौन है कि न तो अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत वैराग्य है, राग वैराग दोनों मिलते हुए है, तो उसके लिए भक्ति योग से नाति निर्वर्णो नाति शक्तो, नहीं तो नित्य वैराग्यवान है नहीं अत्यंत आसक्त है, उसके भक्ति योग से निकलना है। तो संसार में सत्संग करने वाले ऐसे दो होते हैं, जिसमें संसार का आकर्षण होता है और भगवान की तरफ भी रुचि होती है, ऐसे दोनों होते हुए सबके सब भक्ति योग के अधिकारी है, अत्यंत प्रेरित ज्ञान योग का। और दूसरे अत्यंत आसक्त है वे कर्म योग के अधिकारी होते हैं, परंतु अत्यंत आसक्त है वे कर्मयोग कुछ तृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आसक्त वे सुनते ही नहीं जाते ही नहीं। अगर वही चाहेगा हमारा वही कल्याण का मार्ग बन जाए तो अत्यंत आसक्त हो लिए कर्मयोग तो काम ही ना, भागवत साहब वे काम ही पुरुष है उनके लिए कर्मयोग सिद्धि देने वाला है। और अत्यंत वैराग्य निराग्य में भक्ति योग है, अत्यंत वैराग्य हो उसमें ज्ञान योग है। तो मुक्ति के साधक सब सब साधक है, संसार में मनुष्य मात्र कल्याण का अधिकारी है। मुख से ज्ञान योग वैराग्य ज्ञान योगी है और रागी है तो कर्म योगी है,
या दोनों उथल पुथल होती है तो वो भक्ति योग है। तो प्राय करके लोग हमें भक्ति योग के अधिकार मालूम देते हैं। अभी जो ज्ञान योग का प्रसंग हो रहा है, ये ज्ञान योग भक्ति योग की तरह है। ये ज्ञान योग असली ज्ञान योग नहीं है, ये नई बात है, ये ध्यान दे विषय आप लोग। क्योंकि पहले तुम मान लो ब्रह्म एक है, तो ब्रह्म एक मान लेने से मानने के बाद भक्ति के ज्ञान नहीं होती है। ज्ञान योग जानने में क्या बात जानने की होती है। अब जो पहले मैंने आरंभ की वो बात कहता हूँ, अब समाप्ति करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि वो मार्ग ये मंदिर है, वहां पहुंचना है। तो हम कहाँ पहुंचना है कि जिसमें निर्विकार होगा, न राग रहे, न द्वेष रहे, न हर्ष रहे, न शोक रहे, एक आनंद आनंद रहे। तीन बात होती है, कर्म योग के द्वारा कृत कृत्य हो जाता है, करना बाकी नहीं रहता। फिर ज्ञान योग से जानना बाकी नहीं, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ये तीन शक्तियां सब में है, मात्र प्राणियों में और जीवों में, मनुष्य में विशेषता है। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो मानने की शक्ति संसार को मत मानो, मान रहे मानने की शक्ति सब संसार में लगा दी। ये माँ बाप भाई बंधु ये मान लेते हैं, धन से सुख मिला मान लेते हैं, तो ये संसार में फंसने की रीति है। मानना चाहिए जो जान नहीं सकते उसको, घर को जान सकते हैं, परिवार को जान सकते हैं, उनको जानना तो वैराग्य हो जाएगा। ठीक संसार को जानने से वैराग्य हो जाएगा, जानने की शक्ति दे दो और अपने तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो ज्ञान शक्ति से आप अमृत हो, तत्व हो जाएगा। और कर्मियों से क्या हुआ कि संसार को संसार से हटाना चाहते हैं, हम आसक्ति करते हैं, तो आसक्ति क्या, हम जो चाहते हैं हमारे को सुख मिलता है, वह हमारे को न ले औरों को देना है, आराम दूसरों को देना है, आदर दूसरों को देना है, प्रशंसा औरों की करनी है। समाधि तक का फल संसार को मिले, श्रवण मनन आदि का नहीं, ये मेरे को फल नहीं मिले, केवल संसार को मिले, तो ये कर्मयोग हो जाता है। इसे संसार में ऊंचा उठ जाता है, और भगवान की तरफ लगने से संसार से ऊंचा उठना, भगवान लगना, दोनों भगवान भगवान की जिम्मा हो जाती है। मस्जिद सर्व दुर्गा ने परिशी और मस्जिद मत प्रसाद अभाव होती शासन मध्यम, तो दोनों विघ्नों का तैरना अशासन करना एक मेरे में चित लगाना दोनों हो जाएगा। संसार से ऊंचा उठना भी हो जाएगा और मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। तो हमारे दोनों तरह के चेहर विशेष लोग भक्ति योग के अधिकारी है। अगर वे चले तो बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। अब पहुंचना कहाँ है, कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य। ज्ञान के द्वारा ज्ञात ज्ञातव्य जानना बाकी नहीं रहेगा, और कर्मियों के द्वारा करना बाकी नहीं रहेगा। अपने लिए करोगे जो करना ही करना होगा, अपने लिए नहीं संसार के हित के लिए केवल करना, तब कर्म योग होगा। जानना अपने आप को न तब ज्ञान योग होगा, और परमात्मा में लग जाएगा तो भक्ति योग हो जाएगा। तीनों मार्ग है। अब अंत में जाना है कृत कृत्य, प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य, तीनों बात हो जाएगी। संसार में जो मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा, मनुष्य शरीर समाप्त, मनुष्य शरीर का काम सब पूरा हो जाएगा। जानना बाकी रहा तो मनुष्य शरीर पूरा नहीं हुआ, मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ। करना बाकी रहा तो मनुष्य पर सफल नहीं हुआ। प्राप्त करना कुछ बाकी और बाकी है तो मनुष्य सफल नहीं हुआ। पशु पक्षियों की तरह ही वो है, ये जान लू, इतना मान लू, इतना प्राप्त कर लू, इतना और मिल जाए और मिल जाए, आप भूख सदा के लिए मिट जाती। मनुष्य शरीर में न करने की बात भूख रहती, न जानने की भूख रहती, न प्राप्त करने की भूख रहती। प्राप्त को परमात्मा करना है, जानने अपने स्वरूप को है, और करना संसार की सेवा है, तो करनी सेवा ही सेवा करनी है। घरों में माता में बहना है ये ऐसा दे देगा, मैं तो सेवा करनी, घर वालों को सुख का सुख पहुंचाना, देवरानी को भी सुख, जेठानी को भी सुख पहुंचाना, सासू को भी सुख, दंडा को भी सुख, कुटुंबियों को भी सुख, आए गए उनको भी सुख, भक्ति कोई भिक्षुक आए तो सुख सुख, हर एक की सेवा करना है, कर्म सिद्ध हो जाएगा। अपने कुछ नहीं लेना है, केवल इनकी सेवा करना है, ये कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। अपने लेने की इच्छा होगी मान बढ़ाएगी, वाह वाह की कुछ आराम लेने की इच्छा होगी तो फंस जाओगे भाई, फिर तो बन जाओगे, तो कर्म ना बन दे जंतु, कर्म से बन दे जंतु, बन जाता है। और विद्या अविद्या और नहीं करना, तो करना तो है संसार की सेवा, जानना है अपने आप को और पाना है भगवान को,
तो यहाँ पहुँच रहे हमें, करना भी समाप्त हो जाए, जानना भी समाप्त हो जाए, पढ़ना भी समाप्त हो जाए, यहाँ मंदिर पर पहुँच रहा है। अब मंदिर पर पहुँचना है तो उसमें दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो शहर में रहने वाला आदमी है तो वे सड़क सड़क पहुंचे, वो सड़क में ऐसे 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 बहुत घूमना पड़ता है, रास्ता तो इतना ही घूमना पड़ता है, और जंगली आदमी वो घूमे में क्यों माथा फच्ची करे, क्यों जाए, वो तो चट बिल्कुल पकड़ा पत्थर पर चला आगे पकड़ा सब सीधा ही चला जाए जंगल में, मैं शहर आदमी छोड़ जाए तो वही उड़ जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। तो ये दो तरह के मार्ग है, एक तो सीधा मार्ग है, एक सड़क का मार्ग है। तो ये सड़क का मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, सीधे वहाँ जाना है और भजन करना है। ये मार्ग बता दिया, भजन करना, चिंतन करना, जप करना, ये मार्ग हुआ, और पहुँचना हुआ है, प्राप्त करना बाकी न रहे, और वहाँ तीन हो जाता है। एक विलक्षण बात है, ये ज्ञान योग से भी जान भी लेता है और पा भी लेता है और कर भी लेता है, तीनों बात हो जाती है। ऐसे कर्मयोग की सिद्धि होने पर वो कृतकृति भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, और भगवान श्रुति शुद्ध होता ही है। ये तो सीधी बात है, सरल बात है। भगवान की भक्ति करने वाला ज्ञान से भी अपरिचित नहीं रहता, योग से भी अपरिचित नहीं रहता, तीनों को प्राप्त हो जाता है। तो अंत में तीनों की प्राप्ति हो जाए, ये पूर्णता है। तो मंदिर ये है, वहां पहुंचना है, न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे, क्योंकि शक्ति परमात्मा में लगेगी, पाना उसने हो जाएगा, पहले मान लो फिर पा जाओगे, ये बात है। तो रास्ता है तीन, खुरमा पाना है। ये रास्ता जो जानता है और जो हमारे को बता दे, चाहे कर्मियों का रास्ता, चाहे भक्तियों का, चाहे ज्ञानियों का, कोई रास्ता बता दे, उनके अनुसार चले, तो बताने वाला होता है वो गुरु होता है, जो ठीक बता दे ऐसे ऐसे चलो, तुम तीनों का विवेचन कर दे, कर्म योग से चलो ऐसे चलो, ज्ञान योग से ऐसे चलो, और भक्ति योग से चलो ऐसे चलो, तीनों बता दे, तीनों में एक भी बता दे ठीक तरह से, तो वो गुरु हो जाता है। तीनों से एक प्राप्त होने पर भी अंत में सब हो जाएगा, क्यों पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत, और पहुंच जाए तो एक जगह पहुंच जाएंगे, फर्क रहेगा पहुंचे हुए में भी। जो तीनों मार्गों को जानने वाला ऐसा बहुत कम होता है, एक एक मार्ग को जानने वाला आदमी मिलते हैं, वो जानता है उस मार्ग में तो संदेह नहीं पहुंच जाएगा, मार्गों का विवेचन नहीं कर सकता, तब तो कह देगा वो कर्मयोग का तत्व है, ज्ञान योग का तत्व है, भक्ति योग का तत्व है, कोई पक्षपात नहीं रखे तो जान लेगा, परंतु जिस मार्ग में चला है उसी मार्ग को बता सकता है। अगर कोई ऐसे हो तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों को ठीक तरह से जानते हैं तो तीनों को बता सकते हैं। तो आप जानो चाहे भक्ति योग के अधिकारी हो, चाहे आप ज्ञान योग के अधिकारी हो, चाहे आप कर्मयोग के अधिकारी हो, ठीक तरह मार्ग भी बता देगा, अंत में कृतकृत्यता भी बता देगा, ज्ञात ज्ञातव्यता भी बता देगा, और प्राप्त प्राप्त न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे, ये अपने में रहता है। इतना तो जान ले, इतना प्राप्त कर ले, इतना रुपया मिल जाए, इतना वो मिल जाए, ये मिल जाए, तो प्राप्त करना बाकी रह गया, इतना जान लिया, इतनी विद्या जान ली, इतनी लिपि जान ली, जानना और बाकी रह जाएगा। पाने में धन मिल गया तो और बाकी रहेगा, धन का अरबों खरबों मिल गया फिर बाकी ही रहेगा, पूरा होगा नहीं कभी, क्योंकि चेतन स्वयं ठहरा, दृढ़ चीजों की पूर्ति कैसे होगी, पूर्ति होगी नहीं, तो धन और भोगों में अड़से हुए, ना ज्ञान योग समझेंगे, ना भक्ति योग समझेंगे, ना कर्म योग समझेंगे, वो भोगेश्वरी प्रसंगता ना भोग रहे आसक्त है, उनके समाधो परमात्मा की बुद्धि नहीं होती। मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी उनकी बात जसती नहीं, जो भोग भोगने में संग्रह करने में लगे हुए हैं, पदार्थों का रूपों में संग्रह करना और आराम में सुख भोगना, पशु की तरह समय व्यतीत हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं अंत में। इस वास्ते इनसे ऊंचे उठ करके परमात्मा को जानो, चाहे संसार की काम करो तो संसार की आश्रित कामना छोड़ के सेवा करो तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, और अपने को अलग समझ और संसार से जड़ से अलग चेतन रूप अनुभव करो तो ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान के शरण हो जाओ और भगवान के भरोसा रखो तो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो कर्मयोग जन्म सिद्ध हो जाएगा, कारण गुण दोनों में संग आसक्ति है, इसे जन्म योग जन्म जन्म ये सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें कोई बात हो तो पूछो, कोई संदेह हो, शंका हो, मेरे कहने में कोई गलती हो गई हो, कोई विषय छूट गया तो आप पूछो फिर बता देंगे। तो गुरु वो होता है जो हृदय का अंधकार दूर कर दे। सूर्य प्रकाश करता है, पर सूर्य बाहर बाहर प्रकाश करता है,
और ज्ञानी संत महात्माओं बाहर नहीं भीतर का प्रकाश करते, भीतर के अंधकार दूर कर देता है, भीतर में जो अंधकार अनजान पूर्ण है उसको मिटा देता है। तो ये प्रकाश बड़ा वृक्ष होता है। इस प्रकाश से यह सेवते ज्ञान लक्ष्मी गीता है, राम गीता थी, राम अध्यात्म रामायण उत्तरकांड के 5वां सर्ग ज्ञान गीता, उसमें लिखा यह सेवते बाम अगुण गुणात्म मेरे निर्गुण सेवन करते है, अथवा यदि गुणात्म सगुण रूप को ध्यान करता है सो अणु वो मेरा भक्ति मेरा रूप ही है। ज्ञान योग से चलते मेरा स्वरूप है, भक्ति योग से मेरा स्वरूप है। सोहम स्वपादान से रेणु स्पर्शन पुनाति लोक तृतीय, वो चलता हुआ जिस रेजी को वो स्पर्श कर देता है रजी को, उस रजी से तीन लोग को पवित्र करता है। यह सेवते माम अगुणम गुणात्म हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादान से रेणु स्पर्शन पुनाति लोक तृतीय यथा रवि, जैसे जाता रवि जिस समय में जब सब प्रकाश कर देता है तो ये बाहर का वो भीतर का प्रकाश कर देता है, अंधकार मिट जाता है।